आज आ यहाँ पे ना यार इंडियन कार्स का एक्सट्रीम चैलेंज करने वाले। यहाँ पे भैया पूरी खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हो कितना ऊपर जाना है भैया हमें कार्स को। छोटा सा ट्रैक है बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्लाइन एंगल है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी कार जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है सबसे पहली फॉर्च्यूनर लेजेंडर, देख सकते हो दोस्तों व्हाइट कलर में है। फिर से अपने पास टाटा सफारी है भैया, कितनी बढ़िया गोल्ड एडिशन। फिर अपने पास है स्कॉर्पियो जो कि काफी बोल्ड आइकॉनिक लगती है। फिर अपने पास है जीप कंपास, काफी दिन से नहीं आई थी अपने साथ, तो आज आ चुकी है। देख सकते रियर प्रोफाइल अच्छी सी लग रही है यार, स्कॉर्पियो से तो फार बेटर है। फिर है अपनी टाटा सफारी जो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रही है, कूल लग रही है, एकदम बढ़िया शार्प है, मॉडर्न डिजाइन। चलो यार इसे लेके चलते हैं और भाई देखते हैं कि कितना पावर है इसमें। और टाटा हैरियर चढ़ भी पाएगी या फिर नहीं, 4x4 तो ये है नहीं, क्योंकि देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है ये पहाड़ों पे चढ़ पाएगी। रॉक्स हैं या पहाड़ है मुझे नहीं पता, बट कुछ भी है बस चढ़ना पड़ेगा इसको। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे फंस चुकी थी, बट देखते हैं कि फाइनली कहाँ तक कम ब्लैक क्लेम कर पाएगी। और भाई ये टाटा सफारी जा चुकी है यहाँ पे। ओ भाई इतनी छोटी कार जो है पावर बहुत रखती है भैया अपने में। तो यहाँ पे टाटा सफारी एक ही बार में, देखते हो यहाँ पे छोटा सा ट्रैक है बट बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको ऐसा लग रहा है ना टाटा सफारी बड़े आराम से कर गई, ऐसा नहीं है दोस्तों, बड़ी बड़ी कार के दम निकल जाते हैं यहाँ पे। और भैया टाटा सफारी मैंने गायब ही कर दी पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं, हमने ऊपर चढ़ाना तो चढ़ा लिया। तो यहाँ पे जो है अभी बारी है जीप कंपास की। भैया बहुत आइकॉनिक शेप लगती है मुझे, DRS बहुत अच्छे लगते हैं इसके, इंटीरियर भी बढ़िया है भैया। JBL के स्पीकर्स मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वहाँ पे नीचे JBL की ब्रांडिंग है, यहाँ पे स्क्रीन है, बढ़िया सा डैशबोर्ड भैया, बहुत बढ़िया स्टीयरिंग व्हील, बहुत बढ़िया फील, सस्पेंशन बिल्कुल ज़बरदस्त, अलॉयज व्हील डायमंड कट मिलते हैं शायद, और भैया सस्पेंशन बहुत ही तगड़े मिलते हैं। बट मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी ऑफरोडिंग कर पाएगी, बट कोई बात नहीं टेस्ट करके देख लेते हैं। और भाई साहब ये भी जो है यहाँ पे SUV ऊपर चढ़ गई भैया, आगे पेड़ था थोड़ा सा घास फूस में जो है यहाँ पे अटक गई थी, बट कोई बात नहीं, अगर कोई कार यहाँ से नहीं जा पा रही तो ऊपर से यहाँ से चढ़ा लेंगे हम भैया। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, देख सकते हो अपनी जीप कंपास बड़े आराम से सफारी के बाद में जो है, सॉरी हैरियर के बाद में ये अपनी जीप कंपास बड़े आराम से आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। अभी मैं इससे निकलता हूँ बाहर। और भैया ब्लैक में कितनी बढ़िया फील आ रही है इसमें, पता नहीं क्यों क्या ही मतलब कुछ अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पे अभी बारी है स्कॉर्पियो एन की दोस्तों, अभी ये देखते हैं कि क्या कुछ दिखा पाएगी अपना दम। और भाई स्कॉर्पियो एन भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बट क्या ये भी परफॉर्म कर पाएगी यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो एन चढ़ चुकी है दोस्तों, और डिब्बा बंद गाड़ी बिल्कुल बैगनार की तरह। और भाई देखते हैं कि जा पाएगी या नहीं, ये देखते जा पा रही है भैया बड़े आराम से। स्कॉर्पियो तो भैया बहुत ऊपर तक चढ़ गई, और ये देख सकते हो एक अलग ही लेवल पे यहाँ पे जो है हम चढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके अलॉयज थोड़े से ना प्रोफाइल मतलब अच्छी नहीं है अलॉयज की, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। और भैया बारी एक हैंग क्यों हो गया भैया, अभी बारी है अपनी टाटा सफारी की भैया, इसमें देखते हैं टाटा सफारी भैया शक्तिमान की शक्तियाँ मतलब सब में इसमें अपने फ्रैंकलिन भैया में आ चुकी हैं। और भी सफारी की लुक्स काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बल्की और बोल्ड लगती हैं, बट यार अगर इसमें 4x4 होता तो मज़ा ही अलग होता। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, टाटा का प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त है, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है भैया 4x4 की, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है अपनी बढ़िया सी जो है ऑफ रोडिंग करते हुए टाटा सफारी भी आ चुकी है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे ना इसका गोल्ड कलर बहुत आइकॉनिक लग रहा है, और इसमें थोड़े से डेंट्स भी पड़ चुके हैं बॉनेट पे अगर आप देखोगे तो वो कोई बात नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। अभी फॉर्च्यूनर लेजेंडर बची है दोस्तों बाकी, अब इसका देखने वाला है कि क्या ही जो है यहाँ पे जबरदस्त ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। अलॉयज इसके बढ़िया हैं भैया, लेजेंडर का लुक एकदम बढ़िया लगता है दोस्तों। तो ये हेडलाइट्स बहुत तीखी हैं, तो चलो यार इसको लेके चलते हैं। लेजेंडर को भी वाइट कलर में एकदम बढ़िया सा लग रहा है, ऊपर छत में मैट ब्लैक नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक है, तो वो हमने कस्टम करवाया फ्रैंकलिन भैया की गर्दन बाहर आ गई थी यहाँ से। और फिर यहाँ पे लेजेंडर जो है बड़े आराम से पार कर जाएगी, और भाई ये लो लेजेंडर तो आ गई बड़े आराम से। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।